हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको इस 3D विजुअल एनिमेशन के हेल्प से इंजन के थर्मोस्टैट के बारे में बताऊंगा। इंजन का थर्मोस्टैट कहाँ पे लगा होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से जो इंजन का कूलिंग वाटर है वो रेडिएटर में जाता है और वहाँ पे ठंडा होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप ये जो 3D मॉडल देख रहे हो ये मुझे savory.com से मिला है, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स और वीडियो कोर्सेस मिल जाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाए वहाँ पे और उसे रजिस्टर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये जो मॉडल देख रहे हो वो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सिलेंडर है, पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, ऊपर में कैमशाफ्ट है, यहाँ पे आपका फ्लाईव्हील लगा हुआ है। लेकिन हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में आज की कि हमारा जो थर्मोस्टैट है वो कहाँ पे लगा हुआ, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ थर्मोस्टैट कहाँ पे लगा हुआ होता है। तो जैसे कि मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आप ये जो कॉम्पोनेंट देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्पोनेंट है वो है हमारा थर्मोस्टैट। अब ये क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, उसको जानने से पहले मैं आपको एक बार जल्दी इसके सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको वर्किंग समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थर्मोस्टैट होता क्या है, ठीक है। तो थर्मोस्टैट इंजन कूलिंग वाटर सिस्टम के अंदर कूलिंग वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है, यानी कि कब कूलिंग वाटर रेडिएटर में जाएगा, वहां पे एक्सियल फैन के हेल्प से ठंडा होगा, और कब वो सीधा बाईपास होते हुए डायरेक्ट इंजन में उसका रिसर्कुलेशन होगा। तो ये थर्मोस्टैट इस चीज को मेजर करता है। अब वो कैसे करता है ये मैं जब इसका आपको वर्किंग बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ओके। देन सेकेंड नंबर में बताता हूँ, सेकेंड नंबर पे है ये है मेन वाल्व। मेन वाल्व कूलिंग वाटर के फ्लो जो कि रेडिएटर के तरफ हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेन वाल्व जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो ओपन हो जाता है और कूलिंग वाटर जो है वो रेडिएटर में चला जाता है। तो ये है हमारे पास मेन वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है यहाँ पे आप 3 नंबर से देख रहे हो, और ये जो कॉम्पोनेंट है वो है एयर ब्लीड। एयर ब्लीड को कूलिंग वाटर सिस्टम से एयर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कॉम्पोनेंट हमारे पास एयर ब्लीड। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे आप 4 नंबर से देख सकते हो, और ये जो कंपोनेंट है वो है सील या फिर गैस्केट। अब इसे यूज किया जाता है ताकि थर्मोस्टैट के मेन वाल्व से कोई भी अनवांटेड फ्लो नहीं हो। अगला जो कंपोनेंट है वो ये 5 नंबर से देख सकते हो, ये है थर्मोस्टैट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, ये है चार्ज सिलेंडर। अब चार्ज सिलेंडर वैक्स से भरा होता है, और जैसे ही कूलिंग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर का जो वैक्स है, चार सिलेंडर के अंदर का जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगता है, यानी पिघलने लगता है, जिससे क्या होता है कि थर्मोस्टैट के नीचे का वाल्व क्लोज हो जाता है और मेन वाल्व ओपन हो जाता है। ये जो ऊपर का मेन वाल्व है वो ओपन हो जाता है, लेकिन जब कूलिंग वाटर ठंडा होता है तब चार सिलेंडर के अंदर का जो वैक्स है वो सॉलिड होता है और नीचे का वाल्व ओपन रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये चार्ज सिलेंडर। नेक्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे आप 6 नंबर से देख सकते हो, वो है स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है वो थर्मोस्टैट के मेन वाल्व को क्लोज्ड पोजीशन में रिटर्न करता है जब कूलिंग वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये था स्प्रिंग। उसके बाद जो 7वें नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो वो है सेकेंडरी स्प्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी होता है, जब कूलिंग वाटर ठंडा होता है तो चार्ज सिलेंडर के अंदर रॉड का मूवमेंट इस सेकेंडरी स्प्रिंग के वजह से ही होता है, जिसके वजह से जो मेन वाल्व है और जो नीचे का वाल्व है वो ओपन और क्लोज पोजिशन पे आ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट जो कि आप यहाँ पे 8 नंबर से देख रहे हो, और ये कॉम्पोनेंट हमारे पास बाईपास वाल्व। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ऊपर में था हमारे पास मेन वाल्व और ये है नीचे में बाईपास वाल्व। अब ये तब काम में आता है जब जो कूलिंग वाटर है इंजन का वो ठंडा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो बाईपास वाल्व है वो ओपन होता है और जो कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है इंजन के अंदर में तो वो सीधा इंजन में चला जाता है, वो रेडिएटर में नहीं जाता है, वो इस बाईपास वाल्व की वजह से ही होता है। लेकिन जब कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टाइम पे बाईपास वाल्व क्लोज होता है और मेन वाल्व ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी आप जो यहाँ पे 3D मॉडल देख रहे हो यहाँ पे आपको ब्लू एरो दिखाई दे रहा है, तो ब्लू एरो है वो वाटर के सर्कुलेशन को दिखा रहा है, और इसके अलावा ये भी दिखा रहा है ये कि अभी कूलिंग वाटर जो है वो ठंडा है। आगे जब इस वीडियो में ये जो कूलिंग वाटर है वो गर्म हो जाएगा तो ये जो ब्लू एरो है वो रेड हो जाएगा। तो अभी कूलिंग वाटर ठंडा है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी थर्मोस्टैट क्या वर्क कर रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि ये जो थर्मोस्टैट लगा हुआ है, तो अभी आप देख रहे हो कि जब कूलिंग वाटर ठंडा होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो थर्मोस्टैट के नीचे का जो पुश
अब जो हमारा बाईपास वाल्व है वो ओपन होता है और उससे क्या होता है कि जो हमारा कूलिंग वाटर है वो नीचे की तरफ सर्कुलेट होता है, वो यहाँ पे जो लगा हुआ ये जो रेडिएटर है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इस रेडिएटर में नहीं जाता है वो, सीधा मैं आपको दिखा लेता हूँ एक बार, वो बाईपास होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बाईपास हो रहा है यहाँ से यहाँ पे और सीधा उसका सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रेड हो गया है, ये जो कूलिंग वाटर है वो गर्म हो गया। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या फर्क आया है जब कूलिंग वाटर गर्म होता है। तो पहले क्या हो रहा था कि जो कूलिंग वाटर है वो नीचे से सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो कूलिंग वाटर है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, वो जो ऊपर का मेन वाल्व है वो ओपन हो गया है और कूलिंग वाटर यहाँ से जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, वो जल्दी से दिखाता हूँ एक बार आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कूलिंग वाटर जो कि पहले क्या हो रहा था कि इस वाल्व से होते हुए सीधा सर्कुलेट हो रहा था, अब वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, अब वो यहाँ पे जा रहा है इस रेडिएटर में। रेडिएटर में क्या हो रहा है कि एक्सेल फैन है, इससे हवा निकल रहा है, उसे ठंडा कर रहा है, और उससे क्या फर्क पड़ता है, जो कूलिंग वाटर है वो फिर से ठंडा हो जाता है। कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ये रेड एरो दिखा रहा है कि अभी कूलिंग वाटर गर्म है, लेकिन जब रेडिएटर से निकल के इंजन में जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो ठंडा हो जा रहा है, जो कि ये ब्लू एरो दिखा रहा है। तो ये फंक्शन होता है हमारा रेडिएटर का। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कब या कितने टेम्परेचर पे जो कूलिंग वाटर है वो उस जगह जो सीधा सर्कुलेट होता है इंजन के अंदर में, और कितने टेम्परेचर पे वो रेडिएटर में जाता है। तो इसका जवाब ये है फ्रेंड्स कि जब टेम्परेचर कूलिंग वाटर का 80 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जो कूलिंग वाटर है वो सीधा सर्कुलेट होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो सीधा सर्कुलेट हो रहा है, रेडिएटर में नहीं जा रहा है। और लेकिन जब कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो ऊपर का मेन वाल्व है वो ओपन हो जाता है और कूलिंग वाटर यहाँ से फिर रेडिएटर में जाने लगता है और वहाँ पर जाके वो ठंडा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आज के इस वीडियो के हेल्प से आप ये जान गए होंगे थर्मोस्टैट इंजन में कहाँ पे लगा होता है, इसके अलावा वो क्या फंक्शन करता है। अगर आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड बाय।